दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है बबलू और आप इस वक्त देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसके नाम है बबलू के ब्लॉग्स। दोस्तों इस ब्लॉग में आज मैं एक खास चीज़ स्वरम करने जा रहा हूँ और वो चीज़ है कि मैं आज कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा अपनी माता और बहनों से जिनका जवाब मैं उनसे लूँगा। यदि उन्होंने सही जवाब दे दिए तो उनको हाथों हाथ में कैश प्राइज दूँगा और वो प्राइस छोटा सा ही रहेगा लेकिन प्राइस तो प्राइस होता है, 100 रुपये का इनाम है यदि इन्होंने सटीक जवाब दे दिए तो। जवाब मेरे पास लिखा हुआ है, इनका जवाब मेरे जवाब से मैच करेगा तो इनाम इनका हुआ, नहीं दे पाएंगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। इसी सिलसिले में मैं शुरुआत करता हूं, मेरे सामने एक मेरी बहन हैं उनसे मैं स्टार्ट करता हूँ। आइए बने रहिए इस मज़ेदार एपिसोड के साथ। दोस्तों मेरे सामने अब इस गेम को खेलने के लिए पहले ऐसे खिलाड़ी आ गए हैं जिनसे मैं पूछूंगा ये सवाल और यदि इन्होंने जवाब दे दिया तो 100 रुपये इनको मैं यहाँ से दे के जाऊँगा। बेटा मेरा सवाल है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो लेडीज़ पहनती भी है और ज़रूरत पड़ने पे खा भी लेती है? सोचो सोचो। सोच ही रहे। क्वेश्चन में फिर से दोहरा रहा हूँ, लेडीज ये चीज पहनती भी है और जरूरत पड़ती है तो वो चीज को खा भी लेती है। यदि इसका जवाब आपके पास है तो 100 रुपये आपके हुए। सोचो कुछ तो सोचो, जेन्युइन जवाब है, इसका ये सवाल गलत नहीं है। यदि मुझे जवाब मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो इस शो को आप देखते रहो, मैं आपको इस शो में जवाब दे के जाऊंगा। कुछ तो सोचो, लेडीज हो, लेडीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको ये जवाब आना चाहिए। नहीं तो कभी नहीं, खेलना भी नहीं चाहोगे, क्विट करोगे सीधे। चलो आपकी मर्जी। फिर मैम कौन सी ऐसी चीज है जो महिला या लड़की पहनती भी है और जरूरत पड़ने पे खा भी लेती है? सोचिए सोचिए। ये यदि जवाब आपने दे दिए 100 रुपये आपके इनाम के तौर पे। इनाम बड़ी चीज नहीं है लेकिन इनाम जीतना बड़ी चीज है, अमाउंट बड़ी चीज नहीं है। सही बात है। आप ट्राई करिए, यदि नहीं जवाब दे पाएंगी तो मैं लास्ट में आपको ऑफ कैमरा जवाब दे के जाऊंगा। अच्छा। फिर आप खुजलाती रह जाएगी सिर के, अरे ये मैं पहले क्यों नहीं सोच पाया। सोचिए कुछ तुक्का तो लगाओ मैम। खाती भी है, कोई आइडिया नहीं, कोई गेस तो करो मैम, सोचो तो सही। लेडीज से रिलेटेड क्वेश्चन है और आप भी उसमें से एक हैं, आप भी वो पहनती भी हैं और खाती भी हैं। इसमें शर्माने वाली कोई चीज नहीं है, जो पहनती भी है और खाती भी है दोनों ही अच्छी चीज है। लिपस्टिक कौन खाता है? फोटो पे लगती है तो आधी तो खा जाता है, जाने अनजाने में मुंह में जाता है, अलग चीज है, लेकिन खाते हैं उसको। खाते हैं जी हाँ। लिपस्टिक तो जानबूझ के कोई नहीं खाता होगा। कोई क्लू मैम, कुछ तो क्लू बताओ। पसीना शरीर का? नो नो नो, आप खाते मैम ना, पसीना भी हो रहा। आप जान वो खरीद के खाते हैं? अच्छा, खरीद के खाते, खरीद के खाते हैं और खाने के लिए ही खरीदते हैं। वही चीज आप पहनती हैं, वही चीज आप खाती हैं। नहीं कोई जवाब नहीं, ठीक है, थैंक यू मैम। मैं आपको जवाब दे के जाऊंगा, मेरे पास जवाब लिखा हुआ है जेब में, वो मैं आपको दिखा के जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, शो खत्म हो जाए उसके बाद। यदि सही जवाब मिल गया तो ठीक है, उनको इनाम दे के जाऊंगा। सही जवाब नहीं मिला तो आप सभी बहनों को मैं वो जवाब दिखा के जाऊंगा यहाँ से। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैम आज की मेरी पहेली का सवाल है कि क्या ऐसी चीज है जो महिला पहनती भी है और जरूरत पड़ने पे खा भी लेती है? पहनती भी है और जरूरत पड़ने पे खा भी लेती है। जरूरत पड़ने पे खा भी लेती है। सोचिए सोचिए, ये जेन्युइन जवाब है, कोई मजाक वाली बात नहीं है। नहीं वो मुझे पता है, कोई नाम इंस्टेंट आपके जहन में हो सकता है ना। हाँ, आप सोचिए इस चीज को। छोटा सा इनाम है 100 रुपए की, लेकिन इनाम जीतना बहुत बड़ी बात है।
और इतना इजी क्वेश्चन होता तो भला मैं क्यों 100 रुपए किसी को देता। सही बात है। जब जवाब आप सुनेंगी तो आपको लगेगा हाँ ये तो बहुत आसान था यार, क्यों नहीं दिमाग में आया, लेकिन इंस्टेंट जवाब आना आपके जहन में। लॉन्ग, वेरी गुड, लॉन्ग। आप मैम ने नहीं, लॉन्ग ऐसी चीज है जो आप पहनती भी है और जब पहने में खाती भी है। पर मैं बता दूं, बहुत खूब जवाब दिया मैम। मैंने बताना कैसे गेस करा, मैंने कहा बाली पहनते हैं, मैंने इनसे कैसे लॉन्ग, फिर लॉन्ग, हाँ लॉन्ग तो हम खाते हैं, खाते भी है और पहनते। बिल्कुल, आपको 100 रुपए का इनाम मेरे तरफ से है मैम, बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। कुछ लोगों ने यहाँ जो मैंने क्वेश्चन किया था उनमें से सोचती रह गई, और कईयों ने तो यहाँ तक बोला कि ये सवाल ही गलत है, हो ही नहीं सकता कि खाने वाली चीज में पहनती हूँ। मुझे पता आपने ऐसा सवाल पूछा ही नहीं होगा कि जो गलत हो। क्यों पूछना है, ऐसा मजाक कर रहे हैं हम तो आए नहीं यहाँ पे। 100 रुपए आपके लिए मैम, 100 रुपए का इनाम आज मैं आपको दे के जाऊंगा। कविता कहाँ गई, कविता? मैंने सच में बाली। अच्छा प्रिया इधर आओ, प्रिया इधर आओ। मैम आपको जवाब मिल गया, मिल गया ना? अच्छा अच्छा, ना मन में देने से नहीं होगा, मुझे बताना होगा जवाब, मैम इनाम तब मिलेगा। चलिए ठीक है, बहुत खूब मैम। आप कहाँ से आई है मैम? कौशल्या, रुद्रपुर। रुद्रपुर कौशल्या से। और ये सवाल आपने कभी सुने भी थे या पहली बार सुने थे आपके जहन? पहली बार सुना था ये मैंने, पहली बार। मैंने सिर्फ अपना दिमाग लगाया, बिंदिया, झुमके, बाली, इस तरह से मैंने आइडिया लगा के देखा कि आप इससे ही रिलेटेड पूछोगे कि जो हम लोग पहनते हैं श्रृंगार में। जनरली जब खाने की और पहनने की चीज होते हैं तो लोगों को जहन में नहीं आता, लेकिन आपके जहन में इंस्टेंट आ गया। बहुत खूब, बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। जी जी, मैं आपको 100 रुपए अभी हाथों हाथ ट्रांसफर करता हूँ। गूगल पे करूंगा मैम। ठीक है,